अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम जा रहे हैं बाज़ार और मुहर्रम स्टार्ट होने वाले हैं, तो देखेंगे कैसी तैयारियां यहां पर हो रही हैं और वो भी आपको दिखाएंगे। और आज बहुत दिनों बाद हम लोग बाहर निकले हैं। आज हम दोनों ही निकले हैं, मैं और दानिया, वरना पूरी पटन हमारे साथ होती है। तो आज हम सुकून से ब्लॉग बनाएंगे। पहले हम यहाँ बाज़ार जाकर दुपट्टा लेंगे, उसके बाद जो है हमने दुपट्टा दिया हुआ था काफ़ी दिन से कलर के लिए और आज 3 दिन बाद लेने हैं। पता है क्या सब कहते हैं, मैं मेरा कैमरा बहुत हिलाती हूँ, धक्के उतरते हुए कैमरा बहुत हिलता है, मैं क्या करूँ। और पाकिस्तान में तैयारियाँ शुरू हो गई हैं मुहर्रम की, और यहाँ पर जो है दरवाजे वगैरह लग जाते हैं हर जगह पे। पहले देखिए यहाँ पे लगे दरवाज़ा, ये जो वॉल बनी हुई है पीछे दिखाएं, जो वॉल बनी हुई है यहाँ पर भी दरवाज़ा लग जाएगा, है ना। और एक दरवाज़ा आगे लग रहा है, हाँ, और एक दरवाज़ा यहाँ लगेगा। और हम चल चल के जो है ना चिप्स वाले के पास आ गए, और हमें पता ही चला टाउन हॉल पैदल चल चल के हम यहाँ तक आ गए। यहाँ गोलगप्पे खाने जाएंगे, उसके बाद हम कहीं जाएंगे, है ना दानिया जी। और आज हम दोनों साथ में निकले, घर वालों को ही नहीं है, सुकून से व्लॉग बना रहे हैं, वरना बहुत व्लॉग हमें बोलेंगे। दुकानें जितनी भी हैं यहाँ पर ना, यहाँ थोक की दुकानें भी हैं और आराम से चीज़ें मिल जाती हैं। शाबाश बेटा, हम दोनों को लग रही है भूख, और ये खा के आई थी लेकिन मैंने नहीं खाया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गोलगप्पे खाने, फड़क जाएंगे। आज हम चले जा रहे हैं, वरना हम जो है रक्षा वगैरह कर लेते हैं, लेकिन आज हम दोनों निकले तो पैदल ही पैदल सफ़र होगा। और ये देखिए भुट्टा भी मिल रहा है, भुट्टा नज़र आ रहा है, बहुत दिनों बाद देखे हमने, सीज़न है अभी भुट्टे का, लेकिन अभी हमें भुट्टा नहीं खाना है तो अभी हम नहीं ले रहे हैं। अभी हमने जो है वो गोलगप्पे खाने हैं। देखो मैंने आइसक्रीम का भी सोचा हुआ था, और दानिया बता रही है कि उन्होंने मना किया है कि आइसक्रीम नहीं खानी है रूबी बाजी ने मुझे, क्योंकि कैल्शियम की कमी आइसक्रीम की वजह से होती है। जी बिल्कुल, लेकिन हम खा लेंगे, बताएंगे ही नहीं ब्लॉग में से, आइसक्रीम को स्किप कर देंगे। कैसा आइडिया है? हाँ अच्छा है। एक बात मतलब की इकलौती जिम बनी थी यहाँ पे, गोलगप्पे वाला हमें नज़र आ गया है। कहा है नानिया? ओ भाई अभी भी बहुत दूर है, अभी भी हमने 5 मिनट चलना है, और ये कह रही है बड़ा सा वो सामने नज़र आ ही नहीं रहा होगा कैमरे में, नज़र आ रहा है वो रहा गोलगप्पे वाला आगे कॉर्नर पर। इनके गोलगप्पे हमने पहले खाए थे, हमें अच्छे लगे थे, यहाँ से हम पहले भी खा के गए, तो इन्हीं के गोलगप्पे हमने खाने हैं। फाइनली हम आ गए हैं गोलगप्पे के, गोलगप्पे खाने, और यहाँ पर अभी ये देखिए दानिया मैडम, बस हम दो यहाँ से, बस कोई भी नहीं है। कैसा लग रहा है दानिया करते हुए? कैसा लग रहा है दानिया के लिए? अच्छा लग रहा है, आप लगे नहीं तो मैं तो आपको पूरा पाकिस्तान घुमा दूँ। आज हमने सोचा है कि हम घूमेंगे, क्योंकि घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे थे, तो इसलिए आज हम लोग बाहर निकले हैं, और अभी हम गोलगप्पे खाएँगे, उसके बाद हम देखेंगे हमें कहाँ जाना है। आइसक्रीम का भी सोच रहे हो? हमारे गोलगप्पे आ गए हैं, ये दिखे हैं, और ये इसके साथ मीठी चटनी है। अच्छा ये पानी इस तरह से यहाँ पे दिया जाता है, अपने हिसाब से आप निकालने को जरूरी है, ये दानिया की, ये मेरी, और अब हम गोलगप्पे खाएंगे। ये मज़े के लगते हैं ना, ये मुझे मज़े के बहुत, मुझे जो है ना वो मीठी चटनी ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन दानिया खाती है उसकी वजह से मंगवाई है हमने। बाकी गोलगप्पे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, नहीं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन पानी रुके रुके मैं घुमा के डालती हूँ ताकि मसाला ऊपर आ जाए। आप तुम दोबारा डाल देना, तो अब हम गोलगप्पे खाते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे। चलो दानिया स्टार्ट करो। जब भी फर्स्ट गोलगप्पा खाती हूँ तो इसके अंदर सब कुछ गिर जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। दानिया ने मुझे नया तरीका बताया है कि पहले आप इसको खा लें, और फिर ऊपर से जो है वो आप पानी पी लें, क्योंकि मैं इसमें जब डिप करती हूँ ना, पता नहीं कैसे कुछ भी कर दूँ किसी में गिर जाता है, उसका जा ही नहीं पाता। Mm-hmm.
बाकी हम आइसक्रीम खा रहे हैं, पार्क जा रहे हैं, और दानिया मुझे पैदल लेके जा रही है, जबकि मैंने इसे कहा कि रक्षा कर लेते हैं। इसने कहा है कि बस एक गली मुड़ के ही पार्क आ जाएगा। हाँ। अगर एक गली मुड़ के पार्क नहीं आया दानिया, ये फिर आएगा भाई, ये लंबी वाली गली जाएंगे ना पार्क। चलो देख लेते हैं, मजा आ रहा है। ये वाला? ये नहीं है, सामने अंकल बैठे हैं, सहाबा रसूल है, सहाबा रसूल सामने जो बैठे हैं, बैठे हैं वहाँ पर। ये मजार है ग्रीन कलर। अच्छा, कल ये वाला मिला था हजरत ख्वाजा सहाबी रसूल, ये भी यहाँ पर मजार है। कह रही है बस ये गली खत्म होगी हाँ। तो सैर का आ जाएगा। हाँ ना, गली दिखाएं कितनी पार्क है। मैं गली दिखाती हूँ आपको कितनी बड़ी है। चलते पूरी गली खत्म होगी तो वो पार्क आएगा। सारा भूल जाती है, रोज आती है भूल जाती है, रोज तो नहीं आती है। तो फारा थक गई है। हाँ मैं बहुत थक गई हूँ और ये मुझे पैदल लेके आई है। हाँ हम सिर्फ निकले थे दुपट्टा लेने, हमने जो कलर के लिए दुपट्टा दिया था हम सिर्फ वो लेने निकले थे रैंडम। और जो है ना वो हमने दुपट्टा तो हमें मिला नहीं शॉप पर के, तो हम निकलते हैं। तो हाँ वैसे भी बहुत कम मौका मिलता है, मैं बाहर आ रही हूँ, इसलिए हम अपने मौके पर मौका मारा। हम इतना बिना ख्वाब के वीडियो बना रहे, अगर ये कराची होता ना तब तक मोबाइल नहीं होता। हाँ जो है ना, हम हमारा यहाँ शुक्र है कि ऐसा नहीं है, इतनी होती होगी स्नैचिंग एक दफ़ा हुई थी, लेकिन जो है ना यहाँ पर मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर हम कराची में होती ना तो ये अभी तक ना मोबाइल नहीं होता। अभी तक हम पहुँचे नहीं है, दानिया ने मेरे साथ वो सीन किया है, नाम बताते बताते पहुँच जाएंगे। और पार्क अभी तक नहीं आया, इसने कहा पैदल चला चला बस यहीं आ जाएगा। आज इसने मुझे बहुत पैदल चलाया है, लेकिन खैर चलो कभी कभी मोटी नहीं, इतनी भी मोटी नहीं हो रही, मैं अपना वेट का बहुत ख्याल करती हूँ। हाँ मैं मानती हूँ थोड़ी बहुत हो रही हूँ। कल आप भी कह रही थी, तो अभी हाँ अब हम डाइटिंग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आज के बाद से। ये गली हो गई ख़त्म और वो रहा सहरगा, इतनी दूर है अभी भी चलती। हाँ हाँ रक्षे में आते हैं हम यहाँ, ये मुझे पैदल लेके आइए, ये और पैदल चलना चाहिए, इतना भी नहीं चलना चाहिए, ये सबसे चलते हैं। फाइनली हम आ गए हैं पार्क और बहुत दिनों बाद आए, हमने आना ही छोड़ दिया यहाँ पर, लेकिन आज हम अचानक दोनों ही निकल आए। जूम करके दिखाएं, रुक के हिल मिलता हुआ सुन सकते हो, हम बेकार सूरज गुरु होने का टाइम हो गया। ये भी और ये हम जा रहे हैं अंदर, और अभी शाम का टाइम है, देखिए पार्क हम पहुंच गए। देखिए बहुत आज हम बहुत दिनों बाद पार्क आए, बहुत अच्छा लग रहा है, और हर चीज जो है ना बदली लग रही है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ठार। तो हम लोग यहाँ आते ही नहीं, हमने आना जाना कम कर दिया है, हम आते ही नहीं क्योंकि वो घर से दूर है, और रोज़ आने जाने के लिए कोई एक बंदा होना चाहिए साथ में बड़ा ना, हमें घर से इतना निकलने नहीं देते। मेरी दोनों बहनें दानिया की अम्मी और मेरी दूसरी वाली बहन जी, तो दोनों बहनें जो हमें ज़्यादा नहीं जाने देती, इसलिए हम बहुत कम आते हैं। आज हमने घर में किसी को बताया ही नहीं, और आज हम खुद ही निकल आए, और हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी। ऐसा लगे अगर आप लोगों की हमें प्लानिंग की, हमने कोई प्लानिंग नहीं की, हम सिर्फ रैंडमली डायरेक्टली आ गए, हमें पता ही नहीं चला हमने कब आना, अचानक आ गए हम इस तरफ जाएंगे। आज हम जो हम जंपिंग करनी है दानिया, नहीं मुझे लेती नहीं है, कहते हैं मोटी हो। हाँ बेटा आप बड़ी भी हो, जंपिंग करने के लिए जो है ना उम्र होनी चाहिए 7 से 8 साल, लेकिन ये जो है ना हमारी वॉक भी हो रही है और हम जो है ना ब्लॉग भी बना रहे हैं, हमें ना बुलाना चाहिए था क्या। वैसे तो मैं आती ही नहीं हूँ वॉक वगैरह करने के लिए, तो बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि मुझे ना मैं इतनी मोटी हूँ नहीं, और स्लाइड पागल हुई मजा आया। तेरी खाला स्लाइड लेते हैं, लोग बोलेंगे क्या हो गया खाला भांजी को पागल हो रही है, टीचर हो रही है। अच्छा आप लोगों को तो पता ही होगा दानिया मेरी भांजी है और मैं इसकी खाला हूँ, ये मेरी भांजी है और मैं इसकी खाला हूँ, कहते मैं बड़ी हूँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये ना हमारी दादी अम्मा है थोड़ी सी, हमें हर जगह छोटी अम्मी। हाँ छोटी अम्मी, छोटी अम्मी हो सकती। क्या कहा दानिया तुमने? मैंने कहा बड़ा राउंड लेना है छोटा लेना है, मैंने कहा कि कोई बात नहीं हम आज निकले तो राउंड ले ही लेते हैं। तो दानिया का कहना है कि थकती हूँ ढक्की चढ़ने में, और कुछ भी नहीं मसला नहीं है, ढक्की चढ़ते वक्त मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ, बाकी तो कोई इशू नहीं है।